ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए तैयारी करो। सारे देश की प्रजा ईवीएम मशीन के विरोध में है, ये नेशनल इशू हो गया है। ममता बनर्जी ने भी बोला है, जो सरकार संविधान बदलने का सोचती है उस सरकार को हम वोट के आधार पर बदल देंगे। ये मशीन फोड़ेंगे तो आपको जेल होगा, तो जेल में तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ ना। ये 2024 में जो चुनाव है, ये चुनाव एक अवसर है, मौके बार बार नहीं आते। लोकसभा का चुनाव तो 5 साल में एक ही बार ना होगा। ईवीएम को माता बनाने के लिए क्या दिक्कत है, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, वोट का अधिकार बचाने के लिए, अगर हम वोट का अधिकार बचाने में कामयाब हुए तो संविधान बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर वोट का ही अधिकार नहीं बचेगा तो संविधान कहां से बचाएंगे। जो सरकार संविधान बदलने का सोचती है उस सरकार को हम वोट के आधार पर बदल देंगे तो संविधान बचा लेंगे। तो पहले तो वोट को बचाना होगा, वोट को बचाने के लिए हमें ये लड़ाई लड़ना है। और कुछ लोग आपको बोल सकते हैं, अरे इससे आपको जेल होगा, ये मशीन फोड़ेंगे तो आपको जेल होगा। तो जेल में तो मैं जाने के लिए तैयार हूं ना, पहले उसके बाद आपका नंबर है, पहले तो मैं फोड़ूंगा, पहले मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा तब कहूंगा ना आपको, अरे फोड़ो, तो पहले मैं फोड़ूंगा, उसके बाद आपको कह रहा है आपको फोड़ना है, तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। अगर 15 लाख बूथ पर लोग फोड़ेंगे और 15 लाख बूथ पर फोड़ने के बाद इतना केस चलाने के लिए सरकार के पास दम नहीं है, इतने लोगों पर केस चलाने के लिए दम नहीं है। 2-4-5 लोग अगर फोड़ दे तो एफआईआर होगा, अगर 15 लाख जगह फोड़ोगे तो पॉलिटिकल इश्यू होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू होगा, सारे दुनिया में इश्यू होगा, और सारा देश जो है इसके लिए विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। ऐसा कमिटियों का गठन आप करो, हर बूथ पर आपको कमिटियों को गठन करो और उस कमिटी में नौजवानों को भर्ती करो, महिलाओं को भर्ती करो और उनको तैयार करो कि ये हमारा सत्यानाश करने वाला मशीन है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का सत्यानाश करने वाला मशीन है, इस मशीन को हम फोड़ेंगे, इसके लिए लोगों को तैयार करो। आप ऐसा करते हो और सरकार को और चुनाव आयोग को अगर मालूम हो गया कि आप पूरी तैयारी से है तो वोट आ जाएगा। अगर आप तैयारी करते हो इसकी खबर भी सरकार को मिल गई तो भी बैलेट पेपर आ जाएगा, ईवीएम नहीं आएगा। आपकी तैयारी की खबरें भी अगर सरकार को मिलती है तो भी ईवीएम चला जाएगा, बैलेट पेपर आ जाएगा। तो आप तैयारी करो, फोड़ने वाली कमेटी बनाओ और फोड़ने वाली कमेटी बनाने की खबरें हाईलाइट करो। तो इससे क्या होगा, सरकार को और चुनाव आयोग को मालूम हो जाएगा कि लोग तैयारी कर रहे हैं सारे देश भर में। देखो ये हमारे आजादी की लड़ाई है और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप जेल में जाते हैं तो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो आदमी जेल में जाता है वो आदमी को जेल नहीं होती है, और होती है तो लोग उसको राष्ट्रपुरुष कहते हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा चले जाओ, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद सारे देश भर में हंगामा हो गया। हंगामा होने के बाद अंग्रेज लोगों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया, आजादी मिली। ये जो हम आपको बता रहा हूं ना फोड़ने का, ये आजादी वाला मामला है, फोड़ने का मामला नहीं है, ये हमारे आजादी का मामला है। अगर मान लो उन्होंने ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर लाया, चलो आपको हाइपोथेसिस समझाता हूं, कल्पना करो, कल्पना करो आपने 15 लाख कमेटियां बनाई और उन्होंने बैलेट पेपर ला दिया, तो आप
सोचेंगे अरे तो अमन मेश्राम ने फोड़ने के लिए कमेटी बनाया था, अब क्या करें? अरे 15 लाख कमेटियां बनी फोड़ने के लिए, उसी कमेटियों को संगठन मानकर अपने लोगों को अपने फेवर में वोट डालने के लिए बोलो। तो हमारा तो 85 वोट है 100 में, अगर 15 लाख कमेटियों के द्वारा हमारे लोगों ने वोट डाला तो तुम लोगों की सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट बन जाएगी। या तो ईवीएम मशीन फोड़ने से उद्धार होगा, और अगर उन्होंने बैलेट पेपर लाया तो आप ही की सरकार आ जाएगी, आप ही देश के हुक्मरान हो जाओगे और आप खुद ही अपने भविष्य के नियंता बन जाओगे, अपने भविष्य के निर्माता बन जाओगे। फिर आपको कोई ये नहीं कहेगा 5 किलो अनाज ले जाओ, साला भिखारी बन गया है। मोदी को बोलने का हमारी सत्ता आने दे, अबे तेरे घर में 25 किलो पहुंचाते हैं, पहले तेरा घर बता दे कहां एड्रेस कहां है। तो 5 किलो में हम लोगों को भिखारी बना रखा है कि 5 किलो ले जा, और इस तरह से प्रोपोगंडा टीवी पे करता है जैसे हम कोई सारे भिखारी है, भिखारी मान करके प्रोपोगंडा कर रहा है 5 किलो में। अरे इस देश के मजदूर हम, किसान हम, खेती में अन्न हम पैदा करते हैं, चल हम ही को हमारी खेती का माल उसमें से 95 किलो वो ले लेता है, 5 किलो का तुम ले लो। अबे हमारा चल कितना चालाकी कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे हम ही पैदा कर रहे हैं, हमारा ही माल 95 किलो खुद ले रहा, 5 किलो हमको दे रहा। तो ये जो चलाकी है इसको बदलना होगा, इसको बदलने के लिए हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। तो आप लोगों को गांव गांव में कमेटियां बनाओ, 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख गांव में हम लोग 85-90% लोग हैं, अगर कमेटियां बनाओगे तो सारा देश संगठित होकर खड़ा हो जाएगा। अगर सारा देश खड़ा हो गया तो इस देश में हम लोगों को आजादी हासिल करने में कोई रोक नहीं लगा सकता। इसलिए ये 2024 में जो चुनाव है, ये चुनाव एक अवसर है, चुनाव एक अवसर है, एक मौका है, इस मौके का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। मौके बार बार नहीं आते, लोकसभा का चुनाव तो 5 साल में एक ही बार ना होगा, और बंगाल के विधानसभा का भी चुनाव 5 साल में एक ही बार होगा। तो 5 साल में एक ही बार ना वो अवसर आता है, बार बार थोड़ी आता है, डेली थोड़ी अवसर आता है, 5 साल एक बार आता है, ये आया हुआ है, ये अवसर आया हुआ है। इस अवसर को नहीं गंवाने का दोबारा याद दिलाता हूं, अपने अपने इलाके में कमेटियां बनाओ, वो कमेटी में लोग नौजवानों को, महिलाओं को भर्ती करो और उनको कहो ईवीएम फोड़ना है, फोड़ने से एफआईआर होगा, जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। जेल में जाने से, क्योंकि ये राजनीतिक इश्यू है, किसी को कोई जेल नहीं होने वाला है। तो गांधी जी अंग्रेजों को कहा था, होता था जेल, जेल नहीं, जेल देने वाली भारत छोड़कर चले गए। तो ये जो लोग है ये जेल देने वाले, ये कहां रहने वाले है? तो ये कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये लड़ाई हम लोगों को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जेल में जा रहे हैं। अगर हम अपने संविधानों की रक्षा, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर हम जेल में नहीं जाने के लिए तैयार है, तो फिर हमारे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी? फिर हमारे अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे? नहीं रह सकते। इसलिए ये लड़ाई हमको लड़ना है। अगर आप केवल इस बात का संकल्प कर लोगे, सारे देश भर में कर रहा हूं मैं ये कार्यक्रम, एक जगह नहीं, सारे देश भर में कर रहा हूं, क्योंकि हमारा 32 राज्यों में संगठन है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के केवल 4 स्टेट रह गए, नागालैंड मिजोरम के, मणिपुर, बस इतने ही रह गए, बाकी 32 राज्यों में संगठन है। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी 67 साल हो रहा है,
49 साल से इतना बड़ा विशाल संगठन निर्माण करने के काम में जिंदगी का इतना लंबा समय लगाया और इतना विशाल संगठन और आंदोलन खड़ा किया देश भर में, इसलिए इस आंदोलन को, विशाल आंदोलन को हम लोगों ने इतना लंबा समय लगाकर खड़ा किया, इसलिए इसकी सफलता तय है, इसको कोई रोक नहीं लगा सकता। इसलिए आप अपने अपने गांव में जाकर कमेटियां बनाओ और ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए तैयारी करो, और जितनी ज्यादा कमेटियां बनेगी उतना उधर चुनाव आयोग में डर पैदा होगा, बैलेट पेपर आ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे, बगैर चुनाव के सत्ता हमारे हाथ में दे दो, ये नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे, गैर कानूनी बात नहीं कह रहे, गैर संवैधानिक बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अरे भाई ये ईवीएम मशीन आपने लाई है, उसके पहले बैलेट पेपर ही था, वो हम कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? बैलेट पेपर पर चुनाव करने का जो कानून है वो आज भी बरकरार है, और कहीं कहीं जगह पर आज भी बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे। अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर पर हुआ, तो बैलेट पेपर का कानून आज भी बरकरार है। चुनाव आयोग चाहे तो कोई कानून में परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं, कोई पार्लियामेंट में नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोपोगंडा झूठा कर सकते हैं, अरे अब तो पार्लियामेंट खत्म हो गया, अभी कानून कहां बनेगा, अभी कानून बदलना होगा, ये करना होगा वो, कोई जरूरत नहीं है, कानून बकायदा बरकरार है। चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से कर सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो बैलेट पेपर कर सकता है, चुनाव आयोग को केवल फैसला करना है। सारे देश की प्रजा ईवीएम मशीन के विरोध में है, ये नेशनल इशू हो गया है, एक राष्ट्रीय इशू हो गया है, और राष्ट्रीय इशू होने की वजह से किसी ने मुझे बताया, ममता बनर्जी ने भी बोला है, बोला क्या है? बोला, वो बोल नहीं रही थी, वो हमारे आंदोलन की वजह से उसका मुंह जो बंद था वो खुल गया, खबर गया होगा, पुलिस वालों ने दिया होगा कि ममता जी वामन में नाम ईवीएम का ढोल बजा रहा है, अच्छा, तो उसने भी बोल दिया। तो सारे देश भर में ईवीएम के विरोध में वातावरण है, और इस वजह से ईवीएम आज के तारीख में नेशनल इश्यू हो गया है। तो इसलिए ये संविधान बचाने का अवसर है, इसके लिए वोट का उपयोग और उपयोग करना है, ये ध्यान रख करके आपको ये लड़ाई लड़ना है, और उसके साथ साथ पहले नंबर पर ईवीएम फोड़ने की तैयारी करो, बैलेट पेपर आ जाएगा। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।